गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर टेकिंग हियर चैप्टर नंबर फोर केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर फाइव इन दिस लेक्चर वी आर टेकिंग हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन नाउ व्हाट इज हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन इज़ नोन एज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जितना होता है वो कंसंट्रेशन जब आधा हो जाता है वो कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन में हुआ है वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन या हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इट मे बी आल्सो स्टेटेड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय टी वन बाई टू मतलब ये जितना जो रिएक्शन है आधी जब कम्प्लीट हो जाती है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है टी वन बाई टू से हाफ़ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन हमने यहाँ पे कई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे थे इसमें आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन का हाफ़ लाइफ पीरियड बताया जाएगा फॉर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है इसका जो कॉन्सटेंट होता है रेट कॉन्सटेंट इट इज़ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी दोनों के कंसेंट्रेशन इनिशियल माइनस फाइनल करके अपॉन टी करते हैं तो टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू ये वन बाई टू लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है तो कंसंट्रेशन उस समय पे कितना हो जाएगा वन बाई टू ऑफ आर आर इनिशियल कंसंट्रेशन था तो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से जस्ट आधा हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा वो भी इसके अकॉर्डिंग हाफ टाइम हो जाएगा द रेट ऑफ द रेट एट टी वन बाई टू बिकम्स के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नाट अपन टी वन बाई टू तो अब यहाँ पर जो इनिशियल कंसन्ट्रेशन है माइनस जो फाइनल कंसन्ट्रेशन है अपॉन टी वन बाई टू रखेंगे उसका तो और यदि के हमें पता है तो टी हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू चेंज करके तो टी वन बाई टू इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के ठीक है वो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन अब हमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन यदि निकालना है हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू देन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी वन बाई टू मतलब जो कंसनट्रेशन है वो इनिशियल कंसनट्रेशन से आधा हो जाएगा तो अब हमने इक्वेशन में फार्मूला में जो हमने वहाँ पे रखा फार्मूला हमें पता है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी होता है तो अब इससे हमने वैल्यू को चेंज कर दी यहाँ से तो टी वन बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के वन लॉग ए अपॉन ए माइनस ए ए बाई टू या टी वन बाई टू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो टू सॉरी थ्री ज़ीरो थ्री लॉक टू क्योंकि इसकी वैल्यू हाफ हो गई है हाफ हो गई तो ये वैल्यू ऊपर चली जाती है तो और ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे अपॉन के वन टोटल वैल्यू आई इसकी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के वन और ये सेकेंड्स में आती है क्योंकि टाइम हमने लिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है के टी इज इक्वल टू वन बाई ए फाइनल वाला माइनस वन बाई ए नॉट या टोटल इसका हम देखें तो हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ टी वन बाई टू इज इक्वल टू ए और इट इज़ इक्वल टू ए नॉट बाई टू आदि हो जाती है ठीक तो, तो, है तो के टी इज इक्वल टू टू ए नॉट माइनस वन ए ना ए नाट इज इक्वल टू वन बाई ए नॉट तो टोटल इसकी वैल्यू इनिशियल वन अपॉन के रेट कॉन्स्टेंट हो गया और ए नॉट क्या हो गया अब उसकी इनिशियल वैल्यू नाओ हाफ़ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सी फोटीन इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर इसका ए, इसकी वैल्यू दी हुई है कि यदि हाफ़ लाइफ पीरियड को एक रेडियो एक्टिव कार्बन एटम है जिसका हाफ लाइफ पीरियड दिया है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी ईयर्स एंड आर्कियोलॉजिकल आर्क फैक्ट कंटेंट वुड हैड ऑनली एटी परसेंट द सी फोर्टीन फाउंड इन अ लिविंग ट्री इस्टीमेट द एज ऑफ द सैम्पल आपको इसका सैम्पल का एज इस्टिमेट करना है ठीक है तो यहाँ पे इसको टोटल सॉल्व करके दिया हुआ है ये ध्यान से आप लोग देखेंगे हुँ? और इसके बाद में इसका ये देखिए पूरा ये सॉल्व करके दिया हुआ है मैंने इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखें और ये असाइनमेंट आपको करना है सबमिट